क्रिकेट में आखिरी बॉल से जुड़े कई किस्से हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेटरों के जहन में आखिरी बॉल का किस्सा याद करने पर पाकिस्तान का जावेद मियांदाद का छक्का ही याद आ जाता है। 1980 के दशक में इस मैच में इस पाकिस्तानी दिग्गज ने शारजा में खेले गए मैच में चेतन शर्मा की गेंद पर छक्का लगाकर मैच जीत लिया। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि आखिरी गेंद पर 6 रन की जरूरत हो और बल्लेबाज शॉट न लगाए तब भी टीम जीत जाए? अगर यकीन ना हो तो आपको एक मैच के बारे में हम बताने जा रहे हैं। दरअसल इस मैच के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। बैटिंग करने वाली टीम को जीत के लिए मैच की आखिरी गेंद पर 6 रन की दरकार थी। उसने मैच जीता और मजेदार बात यह रही कि जब उसने जीत दर्ज की तब भी मैच में एक गेंद फेंकी जानी बाकी थी। आखिरी गेंद जीतने के लिए चाहिए थे 6 रन, गेंद सिर्फ एक बाकी थी। गेंद बाकी रह गई और बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत गई। इस जीत को देखने के लिए काफी ज्यादा लोग उत्सुक थे। दरअसल इस वीडियो में जो दिख रहा है उस हिसाब से आपको बता दें कि आखिरी गेंद गेंदबाज को 6 बार डालनी पड़ी। दरअसल आखिरी गेंद में वो इतना नर्वस हो गया गेंदबाज कि उसने 6 वाइड गेंद फेंक दी और टीम जो है वो जीत गई। और इसके बाद बैटिंग करने वाली टीम बिना शॉट खेले ही मैच को जीत गई। अब इसे किस्मत कहें या नर्वसनेस, मैच तो बैटिंग टीम ने ही जीता। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।